वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जीना शेख और आप देख रहे हैं जायके की खुशबू। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, मलाई कोफ्ता की रेसिपी। और मेरी मलाई कोफ्ता की रेसिपी है बहुत स्पेशल, क्योंकि मैं बना रही हूँ मलाई कोफ्ता इन व्हाइट ग्रेवी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे बनती है मलाई कोफ्ता इन व्हाइट ग्रेवी। मलाई कोफ्ता इन व्हाइट ग्रेवी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो है दो बड़े बॉयल आलू, जिसे मैंने मैश कर लिया है। बॉयल करने के बाद आलूओं को थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं हवा में, जिससे उनका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए। और जब हम डो बनाएंगे कोफ्तों के लिए तो मैदा हमें कम लेना पड़ेगा। ये एक कप मैश की हुई पनीर है, इसे भी मैंने बाहर रख दिया था, इसे भी थोड़ी देर के लिए हवा में रख दें जिससे इसका भी मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसे मैं हाफ टेबल स्पून लूंगी। ये 2 टेबल स्पून मैदा है जिसे हम डो बनाने के लिए बाइंडिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ पाउडर मसाले हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून आधी छोटी चम्मच गोल मिर्च का पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। 2 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं बारीक और थोड़े से धनिया के पत्ते, इसे भी हम डो में डालेंगे। नमक हम आखिर में डालेंगे स्वाद अनुसार, टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये थोड़ा सा मैदा मैंने लिया है जिसमें मैं कोफ्तों को रोल करके उसके बाद फ्राई करूंगी। अब इस मैश किए हुए आलू में हम डालेंगे मैश किया हुआ पनीर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हरी धनिया और हरी मिर्चें, सारे पाउडर मसाले, और मैदा। अब एक डो हमें इसका फॉर्म कर लेना है अच्छे से मिक्स करके। डो हमें बना लेना है और फाइनली लास्ट में हम डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। पहले हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक भी मॉइस्चर छोड़ता है, तो उससे भी मॉइस्चर गीला होने का डर है डो का, तो इसलिए हम लोग फाइनली लास्ट में नमक मिक्स करेंगे। पहले हम हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा मैदा, उसके बाद ये लेंगे कोफ्ता डो से थोड़ा सा कोफ्ता के लिए लेंगे और इस तरह से उसे मैदा के ऊपर रोल करेंगे। थोड़ा सा मैदा हाथों में लगाकर थोड़ा सा मिक्सचर लेके उसे राउंड कर लें और फिर उसे मैदा के ऊपर इस तरह से रोल करके रख दें। हमारा गरम हो चुका है तो हम इसमें फ्राई करेंगे अपने कोफ्ते। कोफ्ते हमने बनाकर रख लिए हैं, लेकिन तेल में डालने से पहले एक बार और हमें अच्छी तरह से मैदा में कोट करना है और उसके बाद डालना है। इससे हमारे कोफ्ते टूटेंगे कभी नहीं और बाहर से एक क्रिस्पी सा टेक्सचर भी आ जाएगा। बहुत ज्यादा क्राउडेड हमें नहीं करना है, एक बार में हम 4 ही डालेंगे। कोफ्तों को फ्राई करते वक्त फ्लेम एकदम मीडियम रखें, हाई फ्लेम पर हमारे कोफ्ते जल सकते हैं, तो फ्लेम एकदम मीडियम रखें और कोफ्तों को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से तल लें। हमारे कोफ्ते अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो हम इन्हें निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से सारे कोफ्तों को हमें तल लेना है और देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। फ्रेंड्स, जब तक हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं आइए हम थोड़ी ग्रेवी की भी तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है यहाँ 4 प्याज मीडियम साइज की, 18 से 20 के करीब काजू हैं, 1 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज हैं और 2 हरी मिर्चें हैं। आइए हम इसे पानी में बॉईल करेंगे। यहाँ पर 3 कप पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। प्याज को मैं रफली चॉप कर लूंगी और काजू हरी मिर्चें सबको मैं इसमें डालकर थोड़ी देर बॉईल करूंगी।
पानी हमारा बॉईल हो रहा है तो हम इसमें डाल रहे हैं चॉप की हुई, रफली चॉप की हुई प्याज। 2-3 मिनट के लिए हम इसे बॉईल होने देंगे, उसके बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। दो हरी मिर्चें और काजू, नमक भी इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब हमें इसे ढक देना है और ढक कर 2-3 मिनट के लिए इसे उबालना है। अब हम इसे ढक दे रहे हैं, 3 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसे छान लेंगे और ठंडा होने के लिए फैन के नीचे रख देंगे। हमारे प्याज काजू हरी मिर्चे वगैरह ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इसे ग्राइंड करने जा रहे हैं। साथ में हम मिलाएंगे खरबूजे के बीज। ग्रेवी बनाने के लिए हम लोग के मलाई कोफ्ता इन व्हाइट ग्रेवी की व्हाइट ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले ये व्हाइट पेस्ट हमारा तैयार है, जो हमने प्याज काजू हरी मिर्चों को बॉईल करके और उसमें खरबूजे के बीज को मिलाकर ग्राइंड किया था। तो ये पेस्ट मेरा बिल्कुल तैयार है। और उसके बाद ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इससे मैं 1.5 चम्मच लूंगी, 1.5 छोटे चम्मच। ये 3 बड़े चम्मच दही मैंने लिए हैं, ये 1 छोटा तेज पत्ता, 1/2 टीस्पून खड़ी गोल मिर्च, साबुत गोल मिर्च है, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, सिनेमन स्टिक, कुछ पाउडर मसाले हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी जिसे हम क्रश करके डालेंगे, और ये धनिया के पत्ते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल हमारा गरम हो चुका है, तो मीडियम फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, और इसमें मैं डालूंगी कुछ खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची और 1/2 टीस्पून साबुत गोल मिर्च। गरम मसाले हमारे चटक चुके हैं, तो इसमें अब हम डाल रहे हैं अपना व्हाइट पेस्ट जो हमने बनाकर रखा था। फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया मैंने, क्योंकि इसके चिपकने का डर है, तो इस वजह से फ्लेम बिल्कुल ही लो कर दिया मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ग्राइंडर में जो लगा हुआ था पेस्ट, उसमें थोड़ा पानी डालकर मैंने वही पानी फिर इसमें डाल दिया, क्योंकि काजू चिपकता है, तो थोड़ा पानी हमने डाल दिया जिससे कि हमारा पेस्ट जो है वो चिपके ना कढ़ाई से। 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो हम इसमें दही मिला रहे हैं। दही के साथ हमें लो फ्लेम पर 4 मिनट तक इसे पकाना है। बीच बीच में आपको चलाते रहना है इसको, जिससे ये चिपके ना। दही डाले हुए हमें 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गोल मिर्च पाउडर। अब हम नमक डाल रहे हैं फिर एक बार थोड़ा सा, आप भी टेस्ट कर लीजिएगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर नमक डाल दीजिएगा। हमारी ग्रेवी अभी बहुत ज्यादा थिक है, तो हम इसमें डाल रहे हैं 1 गिलास पानी, क्योंकि पकने के बाद भी हम जब छोड़ देते हैं तो हमारी ग्रेवी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी पतली ही ग्रेवी हमें रखनी है, क्योंकि फिर उसके बाद छोड़ देने पर ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाती है। लिड कवर करके हमें इस ग्रेवी को 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है। 4 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, जैसे गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी और थोड़े से हरे धनिया के पत्ते। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है, तो ये अब रेडी है, बस 1 मिनट तक हम इसे उबाल आने देते हैं, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। हमने अपने कोफ्ते एक सर्विंग डिश में सजा लिए हैं, और अब इसके ऊपर डालेंगे हम अपनी ग्रेवी।
अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं अपनी ग्रेवी। ये माशाल्लाह से खाने में बहुत ही ज्यादा लजीज है। थोड़ी बनाने में मेहनत लगती है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन सब वर्थ इट है क्योंकि ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो आप सब भी ज़रूर बनाइएगा ये मलाई कोफ्ता इन वाइट ग्रेवी। अब हम इसे थोड़े से हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। आपने देखा कि मैंने ग्रेवी में कोफ्तों को ना डालकर कोफ्तों के ऊपर ग्रेवी डाली, क्योंकि अगर एक बार हम ग्रेवी में कोफ्तों को डाल के छोड़ देंगे तो उसके उनके टूटने का डर रहेगा। तो इस वजह से हम सर्व करते वक्त ही कोफ्तों के ऊपर ग्रेवी डालते हैं और उसे सर्व करते हैं, डालकर छोड़ नहीं देते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।